आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, जिस पुस्तक का लोकार्पण इस कार्यक्रम में हुआ है, उस पुस्तक के लेखक एवं प्रकाशक रहे, उपस्थित सभी मान्यवर बंधु एवं माता बहन, मैं इस कार्यक्रम के लिए अधिकृत वक्ता हूं, अधिकारी वक्ता नहीं हूं। पुस्तक का विषय है शासन कैसे करना, और उसका जिनको अनुभव है लोग बोल रहे हैं, बोल बोल चुके हैं, लेकिन अधिकृत किया जाता है इतना भर अधिकार मेरा है, और इसलिए पुस्तक के विषय वस्तु के बारे में अनिल जी ने और सुरेश जी ने, दोनों ने, आपकी उत्सुकता पर्याप्त तो जागृत हो इतना बोला है। पूरा तो बोल नहीं सकते, बहुत बड़ा विषय है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। परंतु मेरे मन में एक बात आई, जब इस कार्यक्रम का प्रस्ताव लेकर अनिल जी आए, तब मेरे मन में एक बात आई, उस समय की स्थिति में 400 साल पहले, जब काशी के गागा भट्ट को ऐसा लगा कि कोई स्वकीय स्वदेशी राजा चाहिए, और अपने देश में जो आज राजा महाराजा पराक्रमी वीर विद्यमान है, उसमें कौन ऐसा है जो बन सकता है, ऐसी जब खोज उन्होंने की तो उनको शिवाजी महाराज ही मिले। पराक्रमी वीर अनेक थे, परंपरा से राजा भी अनेक थे, लड़ने वाले भी थे, विजय पाने वाले भी थे, लेकिन इन सब बातों का अध्ययन करके शिवाजी महाराज के बारे में जब उन्होंने सुना, तब वो पैदल यात्रा करके उनके राज्य के सरहद पर अंदर प्रवेश करके नासिक में कुछ दिन रहे, और उनके राज्य का एक त्रयस्थ व्यक्ति के नाते निरीक्षण किया, तब उनको लगा कि हाँ, जैसा सुना था वैसा है। फिर तो शिवाजी महाराज के को मिलने के लिए गए, उनके सान्निध्य में कुछ दिन रहे, और ऐसा नेतृत्व का और उसके परिणाम का पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने शिवाजी महाराज को परामर्श दिया कि आपको सिंहासनाधिष्ठित राजा बनना चाहिए। मैं संघ का काम करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में व्यक्ति के आदर्श की व्यवस्था नहीं है, तत्व ही आदर्श है। फिर भी डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा कहा, निर्गुण निराकार की उपासना सब लोग नहीं कर सकते, सगुण मूर्ति की आवश्यकता सामान्य लोगों को होती ही है। ये जानकर उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि व्यक्ति कोई अपना आदर्श नहीं है, किसी व्यक्ति के कदम पर कदम रखकर जाने की भाषा होती है, लेकिन व्यक्ति कभी चला जाता जाता ही है, निसर्ग का नियम है। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि कदम पर कदम रखेंगे, लोकमान्य तिलक के कदम पर कदम रखकर चलो चलो चलो, और उनके कदम चौपाटी पर बंबई में अंतर्धान हो गए, वहां उनका दाह संस्कार हो गया। उसके बाद कहाँ जाओगे, आगे जाने के लिए कदम नहीं है, तिलक जी के कदम पीछे है, तो कदम भर कदम पीछे आओगे क्या? इसलिए व्यक्ति के पीछे नहीं लगना, लेकिन अगर तुमको अपने विकास के लिए कोई उदाहरण आदर्श चाहिए ही व्यक्ति के रूप में, तो दो ही है तुम्हारे लिए, एक हनुमान जी है, दूसरे शिवाजी महाराज। अब डॉक्टर साहब का जमाना भी लगभग 100 साल उसके पूरे हो रहे हैं, उसके बाद इस पुस्तक के निमित्त फिर से भाषा यही हो रही है कि हमको अगर उदाहरण चाहिए इसका तो शिवाजी महाराज है। ऐसा क्यों, 400 साल हो गए,
समय बदलता है, समय के साथ बहुत सी बातें बदलती है और बदलनी ही पड़ती है। समय के साथ बदलते नहीं है तो टिकोगे नहीं। 400 साल पहले के शिवाजी अभी भी प्रासंगिक लगते हैं, फिर भी बदले हुए समय में भी, बदले हुए आह्वानों के सामने भी, इसका कारण क्या है? चार सौ साल पहले की बात है, यद्यपि पुस्तक में सारी प्रमाणिक बातें ही ली गई है तो भी शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा बन गई है, वो बड़ी विचित्र होती है। प्रतिमाएं बनती है तो एक ही स्वरूप होता है सब प्रतिमाओं। शिवाजी महाराज ने वो टोपा, दाढ़ी, तलवार, अब जन्मे तब शिवाजी महाराज टोपा पहन के नहीं आए थे, भोजन के बाद घर के, और वो झूला होता है परंपरा से महाराष्ट्र में, घरों में झूले पर बैठकर खाते थे कि नहीं पता नहीं, अगर पान खाते होंगे तो उस समय आम था, पान खाना खाते होंगे तो तलवार बाजू में रखकर तो नहीं खाते होंगे। लेकिन शिवाजी महाराज का चित्र बनाओ, शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओ कहने के बाद ये सारी बातें उसके साथ आती है, और इसके बिना अगर शिवाजी महाराज को हमने सामने रखा तो कोई उसको शिवाजी महाराज नहीं मानता। ये भी स्थितियां होती है। फिर भी जो जो अध्ययन करता है वह प्रत्येक व्यक्ति ये बोलता है कि ये उदाहरण, ऐसा क्यों? शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा था, शिवाजी महाराज का नेतृत्व ऐसा था, उनका कर्तृत्व ऐसा था, लेकिन ऐसा क्यों था? 400 साल में वो एक उदाहरण हमको बराबर स्मरण में आता है, उसका अनुकरण हम करें ये व्यावहारिक लगता है। बोलो भाई साहब, व्यावहारिक है कि नहीं आपको पुस्तक से पता चलेगा, मैंने कब किया? लेकिन लगता है, मुझे लगता है इसका विचार करने की आज बहुत जरूरत है। नहीं, 400 साल पहले की परिस्थिति भी वैसी ही थी जैसी आज है, एक ही अंतर है कि उस समय समाज के लोग उनके स्तरों की निकटता बहुत अधिक थी, अमीर और गरीब में ज्यादा अंतर नहीं होता था, रहने की जगह इतनी दूर दूर नहीं, झुग्गी झोपड़िया और बंगला ऐसी दो प्रकार की बस्तियां नहीं रहती, सब एक दूसरे का पड़ोसी थे, इसलिए कहाँ क्या हो रहा है ये सबको मालूम रहता था। आज ऐसा नहीं है, गरीबी पर लेख लिखने के लिए कहा बच्चों विद्यालय में, एक लड़की थी अमीर थी, अब उसको गरीबी पता ही नहीं, तो उसने लगा कि हम लोग भी गरीब है क्योंकि हमारा ड्राइवर भी गरीब है, हमारा माली भी गरीब है, हमारा चपरासी भी गरीब है, हमारे घर में काम करने वाली जो महिला है वो भी गरीब है, हम सभी गरीब हैं। तो गरीबी क्या होती है इसका घर में बच्चों को, अच्छे घर में जो बच्चे हैं उनको अगर वो चाहे तो पता ही ना चले, इतना दूर दूर हम रहते हैं। लेकिन परिस्थिति वैसी ही है, उस परिस्थिति का वर्णन रामदास स्वामी ने बहुत अच्छा किया है, इधर तुलसीदास जी ने किया है। रामदास स्वामी कहते हैं मानसा खावे अन्न नहीं, खाने को अन्न नहीं, आंथरुण पांघरुण ते ही नहीं, ओढ़ने बिछाने को भी नहीं, घर करने के लिए सामग्री नहीं है, घर बनाने के लिए क्या करेंगे लोग, कहां जाए क्या करें, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। क्या करेंगे लोग, कहां जाएंगे? अखंड चिंता के प्रवाह में लोग डूब गए हैं। ऐसा अपने देश में आज भी कम से कम 60% समाज इस चिंता में, अशांति है, हिंसा है, विषमता है, भ्रष्टाचार है, सब है, उस समय भी था। और कहां जाए क्या करी इसका उत्तर नहीं था, कहां जाना, किसको देखना, किसके पास जाना। आज भी समाज के मन में दुविधा है, किसके पास जाने, किसको कहे, कौन उपाय करेगा, कोई आशा स्थान दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आशा स्थान है नहीं, ऐसा नहीं, होते हैं,
ऐसी स्थिति में ही शिवाजी महाराज इसी समाज में से दिखते, होते हैं, दिखाई नहीं देते। वह परिस्थिति और आज की परिस्थिति एक ही अंतर है बस, हम परतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र है, हम अपना कारोबार खुद चलाते हैं, उसको बिगाड़ना चाहे बिगाड़ सकते हैं, सुधारना चाहे सुधार सकते हैं। शिवाजी महाराज के पास ये जो अनुकूलता थी वो नहीं थी, देश पराधीन था, मन पराधीन थे, मन आज भी पराधीन है, उस समय मन पराधीन थे। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ उस घटना पर एक नाटक लिखा गया मराठी, शिव संभव, उसमें प्रसंग है कि जीजा माता गर्भवती है और गर्भवती महिला को इच्छा होती है ये खाए वो खाए, ऐसी इच्छा होती रहती है, वो पूरी करनी पड़ती है, ऐसा एक गर्भकाल में समय रहता है कुछ दिनों का कुछ महीनों का, उसको मराठी में डुहा देती है। तो सखिया जीजाबाई की उसको पूछती है कि तुमको क्या इच्छा है, तो बता दिया मेरी इच्छा, मेरी इच्छा तो ऐसी है कि मुझे 18 हाथ चाहिए और एक एक हाथ में एक एक शस्त्र चाहिए और शेर की सवारी करके बाहर निकल के जितने राक्षस हैं उन सबको मार दूंगी, ऐसी मुझे इच्छा हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है सिंहासन पर बैठेंगे, छत्र छामर ढलवाएंगे सर पर और अपने जयघोष सुनेंगे, कभी कभी लगता है घोड़े पर बैठ के और पूरे देश को पराक्रांत करना। अभी कितनी कितनी उज्ज्वल इच्छाएं हैं, कहते हैं कि उन इच्छाओं पर से आने वाले बालक का स्वभाव पता चलता है, तो गौरव की बात है। लेकिन उस समय के समाज की मानसिकता वो सारी सखियां कहती कि ये क्या भिखारी बनना है क्या तुमको, राजा हमारा नहीं होता है, राजा विदेश से आता है, हम लोग उसकी चाकरी करते हैं, यही तो नियम है, और जो ऐसा नहीं करता तुम्हारे जैसी इच्छा करके बगावत करता है उसका क्या होता है तुमको मालूम नहीं। फिर वो एक के बाद एक उदाहरण देते, किसने किसने अपना राज्य स्थापन का उद्योग किया उसका क्या हुआ। जो वास्तव में सम्राट बनने की इच्छाएं है उनको वो कहती है कि ये भिखारी बनने की इच्छा है तुम्हारी, ऐसी मानसिक गुलामी समाज में थी। ऐसा जब होता है तब उस देश को फिर से खड़ा करना और ठीक से चलाना, और केवल अपने काल में नहीं आगे वो चलता रहे इस प्रकार की व्यवस्था देकर चलाना, समाज के प्रवाह को फिर से उचित दिशा में चलाना, ये करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि उसमें नेतृत्व वैसा चाहिए, केवल नेता से नहीं होता है, वैसे कार्यकर्ता भी चाहिए। काम तो कार्यकर्ता प्रत्यक्ष करेंगे मैदान पर, और नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे तो भी तंत्र जो करना है उसके लिए उपयुक्त चाहिए। स्क्वेयर पेग्स इन राउंड होल्स ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा नहीं चलता है। देश को जिधर ले जाना है उसके लिए कौन सा अनुकूल तंत्र है वो तंत्र चाहिए, नकल से काम नहीं चलता, नकल कभी भी नहीं चल सकती, कहीं भी नहीं चल सकती, किसी की भी नहीं चल सकती। जिसके लिए काम है उसको अपना गंतव्य, अपनी पृष्ठभूमि, परंपरा, आशा, अपेक्षा, इसके आधार पर, आकांक्षा इसके आधार पर तय करना पड़ता है और वैसा तंत्र बनाना पड़ता है। तो तंत्र वैसा चाहिए, और ये सारा हुआ तो भी जब तक समाज में इसके बारे में अनुकूलता आस्था नहीं है तब तक कोई तंत्र यशस्वी नहीं हो सकता। अच्छा काम हो इसलिए कुछ नई व्यवस्थाएं हम लाते हैं, लेकिन उसका क्या होता है हम जानते हैं, समाज अगर उसको स्वीकार नहीं करता है तो चलते नहीं, समाज की भी एक मानसिकता बननी पड़ती है। ये चारों काम करने पड़ते हैं, आज ऐसा समय है ये चारों काम करने पड़ेंगे तब देश का भाग्य बदलेगा। और ये चारों काम करने का बहुत गुरुतर दायित्व
अपने सर पर लेकर जिन्होंने उस समय में यशस्वी करके दिखाया, शिवाजी महाराज, उनकी दृष्टि भविष्यदर्शी, ऐसा ही कहना पड़ेगा। उस जमाने में उन्होंने जमींदारी खत्म कर दी, मार्क्स एंजल्स तो उनका जन्म भी होना बहुत सैकड़ों साल थे उसके, लेकिन जमींदारी प्रथा उन्होंने खत्म कर दी। बाद में किसी मजबूरी वश वो फिर से लाई गई उनके बाद, उनके 3 पीढ़ी बाद, वो बात अलग। लेकिन ऐसे ऐसे क्रांतिकारक कदम उन्होंने उठाए, और केवल उठाए नहीं, वो लागू किए, उनकी परंपरा बनाई, समाज ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, विरोध का एक स्वर नहीं, विरोध का एक स्वर नहीं। जमींदारी खत्म की, कोई जमींदार बाकी नहीं बना, असंतुष्ट भी नहीं। ऐसा समाज का मन बनाकर चले, ये सब वो कर सके, वो ऐसा उनका भविष्यदर्शी एक एक कदम था, इसलिए आज भी वो उदाहरण होते हैं। आज की बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए सारी वैज्ञानिक सुख सुविधा की परिस्थिति में भी बहुत सी उनकी बातें ऐसी है जो हम अक्षरशः ले सकते हैं। आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा, और अध्ययन करेंगे तो और भी पता चलेगा। सब की सब नहीं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं। लेकिन ये सारा वो कर सके, इतनी दूर की सोच सके, ऐसा एक उत्साह समाज में उत्पन्न कर सके, और इस सारे तंत्र को यशस्वी कर सके, कैसे हुआ? शिवाजी महाराज का ये प्रयोग यशस्वी होने के बाद उस प्रयोग का अनुकरण सारे भारतवर्ष में हुआ। लसित बरफुकन के का उल्लेख है आनंद जी के पास, कुछ बिहार के राजा ने भी अपने पत्र में कहा है कि जैसा शिवाजी ने कहा था वैसा करेंगे, और ये जो पीड़ा दे रहे अपने लोगों को उनको बंगाल के उपसागर में फेंक देंगे। आगरा तक शिवाजी महाराज यशस्वी होते हैं कि नहीं, ये समाज ने देखा। औरंगजेब के नाक के नीचे से निकलकर जाने में वो जब सफल हो गए, तब सारे देश ने ये माना कि हाँ ये रास्ता है, क्योंकि सारा देश शस्त्र था, ये सार्वत्रिक अवस्था थी समाज की। राज्य अपना नहीं था, परकियों का राज्य था, विदेशियों का राज्य था। तो कहां उपाय मिलेगा? बहुत प्रयास हुए, राणा प्रताप के जमाने से, उसके भी पहले से लड़ाइयां चलती आई, कुछ दिन ठीक होता था लेकिन बाद में सब बिगड़ जाता था। और इसलिए देश के लोग, दुनिया के लोग सांस को रोक कर शिवाजी के प्रयोग का क्या होता है वो देख रहे थे। और जैसे ही आगरा से शिवाजी महाराज निकल गए और फिर से अपने स्वराज्य में पहुंच गए, और उनकी इस लंबी अनुपस्थिति में उनके राज्य की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी हानि नहीं हुई। उन्होंने मिर्जा राजा से संधि करके जो दिया था उतना गया था, बाकी सारा उनकी अपनी व्यवस्था के अंदर एकदम सुरक्षित था, चौकस बंदोबस्त था, राज्य चल रहा था, केवल राजा नहीं था, वो बंदीवासी था। ये जब दुनिया ने देखा तो उसके तुरंत पश्चात हम देखते हैं कि सारे भारत में इस प्रकार के प्रयास शुरू होकर वो सब के सब यशस्वी होते, और सर्वत्र स्वकीयों का राज्य स्थापन। शिवाजी महाराज के समय का शब्द है हिंदवी स्वराज्य। मैं स्वकीयों का राज्य इसलिए कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज ने गोलकोंडा का राज्य कुतुब शाह का कहा, उसको कहा कि तुम रहो, क्योंकि यद्यपि तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम यहां के इस्लाम के मानने वाले हो, तुम स्वदेशी हो। स्वकीयों का राज्य, स्वकीयों का राज्य स्व की भावना से चलेगा, इसलिए वो हिंदवी स्वराज्य। सारे देश में ऐसा हुआ, ऐसा
प्रेरक जीवन जीने के लिए समर्थ कैसे हुए, इसकी जरा चिंता करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं मूल बातें वो है, बाकी तो हमको आज के जमाने को देखते हुए, उनके उदाहरण को देखते हुए खड़ा करना है। लेकिन हम खड़ा करें इसलिए, वो खड़ा करें हम, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शिवाजी महाराज के जीवन में सबसे पहली बात है उनकी ये प्रामाणिकता है। उनके बाद उस राज्य में जब तक ये प्रामाणिकता चली तब तक सब ठीक चला। जैसे जैसे उसका क्षरण आया वैसे वैसे इतिहास बिगड़ने लगा। जब तक वो प्रेरणा थी, उनका जीवन आदर्श था, उनकी वो प्रामाणिकता सब लोग समझते थे, तब तक ठीक चला। शिवाजी महाराज को राजा बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, नहीं थी, ये सिद्ध करने वाले उनके जीवन के अनेक उदाहरण। उनको राजा बनने के लिए प्रेरित करना पड़ा, वो तैयार नहीं। गागा भट्ट काशी से गए, उन्होंने कहा, उन्होंने माना नहीं, रामदास स्वामी से कहलवाया, वो फिर थोड़ा पशुपेश में पड़ गए, क्या करना, रामदास स्वामी को ना करना, जीजा माता को अंत में कहना पड़ा, तब उन्होंने माना। पर ये राज्य करने के लिए मैं राजा हूं, सत्ता भोगने के लिए मैं राजा हूं, ऐसा नहीं। इसलिए उनको श्रीमान योगी भी कहा, रामदास स्वामी श्रीमंत योगी। शैल मल्लिकार्जुन में गए दक्षिण की यात्रा में राजा बनने के बाद, तो वहां पर अपने मस्तक तक वो वहां अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। आसपास उनके लोग थे इसलिए अच्छा वो उन्होंने रोक लिया, नहीं तो शिवाजी महाराज उसी दिन प्राणार्पण कर देते, इतने वो विरक्त थे। तो राज्य क्यों किया, इतना बड़ा उद्यम क्यों किया, अच्छे खासे जागीरदार थे 36 गांव के, बाकी लोग जागीरदार थे, जागीरदारी भुगतते थे, वैसा वो भी कर सकते, नहीं किया ऐसा। क्योंकि उनकी प्रेरणा स्व स्वार्थ की नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई अहंकार भी नहीं था, स्वयं कीर्तिमान पुण्य कमाना ये भी नहीं था। समाज का दुख सीधा वो देखते थे, और माता पिता उनको बता देते इस दुख का कारण क्या है, समाज में घूमते थे। पूरा मावल प्रदेश उनकी जितनी जागीर थी वो पूरी की पूरी वो स्वयं घोड़े पर या पैदल घूमे, झोपड़ी में रहने वाले के बालकों के साथ दोस्ती करके उनके साथ खेले, तो दुख दर्द क्या है पता चला। ये ठीक होना चाहिए, और ऐसा सारे देश में चल रहा है तो सारा देश में ठीक होना चाहिए। शिवाजी महाराज का राज्य तो बहुत छोटा था लेकिन उनकी दृष्टि छोटी नहीं थी। काशी का मंदिर टूटा तो औरंगजेब को उन्होंने पत्र लिखा, हिंदू और मुसलमान भगवान ने बनाया है, तुमने नहीं बनाया। राजाओं का कर्तव्य होता है प्रजा को समदृष्टि से देख के उसका पालन करना। तुम अत्याचार कर रहे हो पंथ संप्रदाय को लेकर, ये चलेगा नहीं। ये अगर फिर से हुआ तो मुझे अपनी तलवार लेके उत्तर में उतरना पड़ेगा, क्या जरूरत थी। उनकी दृष्टि यह थी। लिस्बन के अभिलेखागार में, आर्काइव्स में एक पत्र मिला, किशोरलेखर नाम के इतिहासकार है, उनके पुस्तक में उल्लेख है, पुरंदरी जी ने मुझे बताया कि पुर्तुगीज गोवा का जो गवर्नर था पुर्तुगीज, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को एक पत्र, उसने पूछा था डायरेक्टर ने कि शिवाजी का नाम बहुत सुनते हैं और वो बहुत कुछ कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो बढ़ाते ही चला जा रहा है, बढ़ाते ही चला जा रहा है। तो उसके पास नौकरी करने वाला एक मराठा सरदार था, उसका एक रिश्तेदार शिवाजी महाराज की नौकरी में था, उसने अपने सरदार को कहा कि जरा उसको पूछो, शिवाजी महाराज को पूछ के पता लगा ये क्या उद्देश्य क्या है, कितना बड़ा है। तो शिवाजी महाराज को उसने पूछा कि महाराज इतने कष्ट सहन करते, अब तो अपना राज्य हो गया है, हम सुख से रह सकते हैं, अपने राज्य की रक्षा करते रहे, लेकिन हम फिर भी उद्यम कर ही रहे, क्यों इतना कष्ट, क्यों दुख कष्ट झेलने का क्यों आपके मन में। तो शिवाजी महाराज ने उसको उत्तर दिया कि देखो, मानस सरोवर से सागर तीर तक ये अपना देश है,
इसमें ये जो अधर्म का साम्राज्य फैला है उसको हमको खदेड़ देना है। लोग सुखी हो, धर्म का राज्य हो। धर्म का मतलब यहां अपनी हिंदू परंपरा में धर्म शब्द का जो अर्थ है वो लेना, रिलीजन, पंथ, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। राज्य लोगों के लिए होता है, लोग ठीक चले, समाज ठीक चले, सब लोग मिलकर रहे, सबकी उन्नति हो, इसलिए राज्य व्यवस्था है। तो लोग ठीक चले, लोगों के स्वभाव होते हैं, उनके स्वभाव को ध्यान में रखकर उनके कर्तव्य को निर्धारित करना और उस कर्तव्य और उनके स्वभाव का मेल जमाकर उस व्यवस्था को ठीक से चलाना, इसको कहते हैं धर्म रक्षा। शिवाजी महाराज के राज्य व्यवस्था का आधार ये धर्म था, समाज ठीक चले, अन्न वस्त्र घर स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार ये अपने गृहस्थ करते हुए पूरा करते हुए समाज का प्रत्येक गृहस्थ अपने परिवार को ठीक से चलाए, ऐसा राज्य चले, आत्मिक उन्नति हो, ऐसा वातावरण है, आध्यात्मिकता का वातावरण है, संस्कारों का वातावरण है, अनीति की ओर समाज न जाए। इस प्रकार की एक व्यवस्था आधार था और शिवाजी महाराज का अपना कोई स्वार्थ नहीं था और उनके पास कला थी इस उद्देश्य से लोगों को हृदयों को भरना और कार्यकर्ताओं की ऐसी एक टीम खड़ी करना जो इस कार्य में उसी प्रकार की निष्ठा के साथ, उसी प्रकार की प्रामाणिकता के साथ लगे रहेंगे, लगे रहे। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज हुए, उनका वध हुआ, औरंगजेब ने पकड़ के मार डाला उनको। उसके बाद राजा नहीं है, सेनापति नहीं है, खजाना नहीं है, रानी और राजपुत्र कैद है। ऐसी अवस्था में महाराष्ट्र के सामान्य लोग 30 साल तक लड़े। किस लिए लड़े? ऐसे कार्यकर्ता और समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, ये सारी बातें शिवाजी महाराज अकेले नहीं की, ऐसा करने वाले लोग थे, उनको जोड़ा, योग्य व्यक्ति की योग्य स्थान पर योजना की, अपने मन की ध्येय निष्ठा को सतत प्रखर रखा, अपने स्वयं के उदाहरण को रखा, उसके आधार पर चला आगे बढ़ा, उस पर नजर रखी, सावधान रहे, नित्य सजगता। मुख्यतः हरि कथा निरूपण, मुख्य बात है अपनी वृत्ति को आध्यात्मिक बनाओ। आध्यात्मिक में कोई जाप करो, भगवान को खोजो, हिमालय में जाओ, ये अर्थ नहीं है उसका। सबको जोड़ने वाली आत्मा है, ये ध्यान में रखकर हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है अपने अपने स्वभाव को उस कर्तव्य के साथ मिला देना, इसको धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। उस धर्म के आधार पर सब में एक ही आत्मा ये ध्यान में रखकर जीवन के लिए आवश्यक अर्थ कामों की प्राप्ति करो, ये अध्यात्म है, व्यावहारिक अध्यात्म। जिसको दुनिया से छुटकारा पाना है वो भले ही जाए हिमालय में, लेकिन अध्यात्म ये है जीवन में जीने की बात है, इसलिए वो मुख्य है। उसके बाद समाज की स्थिति को ठीक करना है तो राजकारण, राजनीति आती है, राजनीति समाज को चलाती है, व्यवस्था देती है। और तीसरा है सावधपन, सजगता, सबके प्रति सजग, स्वयं से लेकर तो शत्रु तक सबके प्रति वो सजग। कौन कैसे है, कौन क्या करेंगे, नेताजी पालकर उनके सर से ना बताते पहले, लेकिन ध्यान में आया कि थोड़ा सा अहंकार बढ़ रहा है और उसके चलते अपने कर्तव्य में गलती हो रही है और गलती का समर्थन करने की प्रवृत्ति है, तो उन्होंने निकाल दिया एक क्षण में। एक जगह उनको आना था, पहुंचे नहीं समय पर, पूछा क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा थोड़ा सा देरी होगी तो क्या हो गया, तो बोले कल से तुम बद सर से ना बताते हूँ। वो चले गए, मुगलों की सेना में दाखिल हो गए, मुसलमान भी बन गए, बाद में सारा अनुभव लेके वापस आए, पश्चाताप दग्ध होकर बाद में फिर से नेताजी पालकर बन गए। लेकिन किसी का मुलायजा नहीं, सबके प्रति सावधान रहते थे, कैसा कैसा किसका विकास होना चाहिए,
यश के तरफ केवल ध्यान नहीं था और अपयश भी चलेगा ऐसी वृत्ति नहीं थी, लड़ाई जीतने के लिए होती ये था, लेकिन लड़ाई कैसे करे ये भी था। कारतलब खान नाम का सरदार चढ़ के आया, चारों तरफ से घेरा गया जंगल में पहाड़ों में, इतना मार खाया कि उसने फिर शरणागति मानी, तो उसको शरण दे दी, छोड़ दे पूरे सेना से खंडन में कुछ लिया उससे छोड़ने का मुआवजा, बाकी छोड़ दिया उसको। और ऐसी ही परिस्थिति में बहलोल खान नाम का दूसरा सरदार उनके सरसेनापति थे राज्याभिषेक के पहले प्रतापराव गुजर, उन्होंने ऐसी संधि करके छोड़ दिया तो उनको पत्र लिखा उसको कैसे छोड़ा, किस कारण से ये संधि किया, किसको पूछ के की, किसको पूछ के की, ऐसा नहीं कहा मुझे क्यों नहीं पूछा, ऐसा नहीं कहा पत्र में, ऐसा नहीं है पत्र में है किस निमित्त से इस संधि को आपने किया, किस कारण से किया, क्योंकि उनको पता था कि ये कारतलब खान मार खा के जाएगा वापस नहीं आएगा, और उसके सेना में इतने सारे स्वदेशी लोग हैं जो अपनी उदारता को देखेंगे तो उनका मन अपने तरफ अधिक झुकेगा, इससे खतरा नहीं है, बहलोल खान से खतरा था, फिर से चढ़ के आएगा तो उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने पूछा। उस एक पत्र का परिणाम ऐसा हुआ कि वो बहुत भावनाशील स्वभाव के होंगे प्रतापराव गुजर, उनको ये पता चलते ही उन्होंने दूतों से पता लगवाया वो कहाँ है और उनको पता चला पास में ही है, तो अपने केवल 6 सरदारों के साथ वो टूट पड़े उसकी सेना पर, सातों मारे गए शहीद तो हो गए लेकिन भावना के आवेग में एक आतताई मृत्यु हुआ था, खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज ने जैसा कहा था वैसा वो बहलोल खान फिर से एक बार स्वराज्य पर चढ़ के आया और मार खा के वापस गया। सबको जानते थे अफजल खान को, जानते थे इसीलिए वो जानते थे अफजल खान अपने गर्व के कारण ही परास्त होने वाला है, वो स्वयं जाके बैठे छुप के बैठे, कुल देवता का मंदिर ध्वस्त होगा, पंडरपुर के महाराष्ट्र के दैवत जिसको कहते हैं उसके मंदिर में गाय काटी गई, बाहर नहीं आए शिवाजी महाराज ने, प्रतिकार नहीं किया क्योंकि जानते थे प्रतिकार करना है ना आज की अपनी शक्ति देखते हुए मरना है, लेकिन मैं यहां बैठूंगा और बताऊंगा कि डर गया हूं डर गया हूं, तो वो आएगा वो मिल गया अपने जंगल में पहाड़ों में, तब उसको समूल नष्ट कर दिया, अपनी चिंता नहीं थी, मेरी नामी बदनामी होती है इसकी चिंता नहीं थी, जो करना है वो किससे होगा वो करना है। लोगों ने कहा अब्दुल खान को धोखा दिया, धोखा दिया उन्होंने कहा दिया क्योंकि वो मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले जाने के लिए आया था, एक उदाहरण बता दो मित्रों को मैंने कभी धोखा दिया है, उनका पत्र है एक उदाहरण बता दो, मित्र बनने के लिए छत्रसाल आए, छत्रसाल मुगलों की सेना में थे, वो सारे अत्याचार देख के उद्विग्न हुए छोड़ दिया, शिवाजी महाराज की छावनी पास में थी, आप पहुंच गए, शिवाजी महाराज को कहा कि मुझे सहन नहीं होता, मुझे आपके यहां सरदार बनाइए मैं आपके नौकरी करूंगा, शिवाजी महाराज ने उसको नौकर नहीं रखा, शिवाजी महाराज ने कहा मेरे अनुग्रह करके क्या करोगे, तुम अपने प्रदेश में वापस जाओ अपना राज्य गढ़ो, मेरे लिए सत्ता नहीं चाहिए धर्म की सत्ता होनी चाहिए, लोगों का ठीक चलना चाहिए, अपने देश में अपना राज्य होना चाहिए, अपने लोगों में राज्य करना चाहिए, अपने पद्धति से करना चाहिए, स्व आधारित राज्य करना चाहिए, भाषा का विषय बताया क्यों, क्योंकि सारा तंत्र उन्होंने स्व विचार करके खड़ा किया, बहुत दिया नया लेने लायक सब दूर से वो लेते थे, निकोलाय मनुची आया था मेरे राजे को फौज में, उससे पूछा उन्होंने वहां जहाज कैसे बनाते हैं, वहां तोपे कैसे गलाते हैं, अंग्रेजों के तोपे गलाने के कारखानों का अध्ययन किया, अपने यहां वैसी तोपे बनाना प्रारंभ किया, निकोलाय मनुष्य को पूछा, फिर पंडितों को पूछा कि अपने शास्त्रों में कुछ है क्या जहाज बनाने का, और पहली बार फिर से एक नेवी खड़ी करी,
किसी की नकल नहीं की और किसी को किसी से कुछ लेने को संकोच नहीं किया। सब प्रकार के विषय, आज की भाषा में कहे तो साइंस और ह्यूमैनिटीज, दोनों मामलों में अपने यहां क्या है, बाहर से क्या आया है, कौन सा अपने लिए अच्छा है, सब ये सारा उन्होंने अपने जीवन क्रम में किया है। ये दृष्टि उनके पास थी, उस दृष्टि से क्या साथ जीवन भर वो प्रामाणिक रहे, अपने स्वार्थ की यत्किंचित भी चिंता नहीं की। केवल 50 वर्ष की आयु मिली, 14वें साल से 50वें अंतिम सांस तक हमेशा भागदौड़ में रहे, घोड़े पर ही रहे, सुख सुविधा का भोग नहीं किया। सत्ता संपन्न थे लेकिन सामान्य कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रख के हंस के बात करते थे। नेतृत्व ये प्रतिमा बनी थे और इसलिए फिर उनके इशारे पर लाखों लोगों में प्राण देने के लिए तैयार हो। अपप्रचार करने वाले कुछ भी लिखे, उनके और उंगली उठाने की इच्छा उनकी प्रजा में किसी को नहीं होती थी। बाकी लोगों का हो सकता है कुछ गलत फहमी हो गई हो, किसी ने कुछ कहा हो, लेकिन उनके राज्य में जितने लोग थे जो उनके तंत्र का अनुभव ले रहे थे, उनको देख रहे थे, उनमें से किसी का यह साहस नहीं हुआ। साहस क्या, उनमें से किसी की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे ये सब झूठ, हमारा राजा कैसा है, निष्कलंकशील वाला है। कामिनी कांचन से पूर्णतः दूर है, सबके लिए सद्भाव मन में रखता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है और अपना कर्तव्य करते समय उसके कारण अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो इसकी चिंता करता है, किसी को दुख न पहुंचे इसकी चिंता करता है। उनके आज्ञा पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सेना के लिए सूचना है कि सेना जाएगी प्रदेशों से, किसानों सेना को खाने के लिए चाहिए, मिलेगा कहां से। उनकी सेना तो लाइट कैवलरी थी, साथ लेके नहीं चलती थी, बार बार जहां जाती थी वहां अनाज लेती थी, तो कहते थे अनाज वगैरह लो लेकिन बात करके लो किसानों से, और वो जो मूल्य मांगते हैं उस मूल्य को छुपा के। सेना जाएगी, विजय कमाएगी, प्रदेश जीतेगी, लेकिन लोगों के मन जीतने चाहिए, व्यवहार अपना ऐसा चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सिखाई और इसलिए उनका राज्य सुराज्य बना। स्वकीय राजा स्वाधिष्ठित राज्य कैसे कर सकता है, इसका एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया और इसलिए लोगों को लगा कि आज भी ये हो सकता है, स्वकीय राजा प्रतिष्ठित हो सकता है, स्वाधिष्ठित तंत्र चल सकता है, समाज में यह जगाया जा सकता है। आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने वाले उस समय के नेता, शिवाजी महाराज का स्पर्श होते ही वो सारी बातें भूलकर एक हो गए। जेदे और बांदल इतनी दुश्मनी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, शिवाजी महाराज के कारण दुश्मनी दूर हो गई, दोस्ती हो गई, इकट्ठा आ गए और इकट्ठा आकर एक दूसरे के सम्मान के लिए भी नहीं, स्वराज्य के लिए काम कर। अफजल खान का जब फरमान आया कि जो शिवाजी का साथ देगा उसको मिटा देंगे, तो जेदे पहुंच गए उनके दरबार में और बताया शिवाजी महाराज को ऐसा हुआ है। तो शिवाजी महाराज ने कहा हाँ मालूम है, ऐसे पत्र आए हैं और अफजल खान ने पहले भी ऐसा किया है और बहुत बड़ी सेना है उसकी, हम तो बहुत छोटे हैं, क्या होगा बता नहीं सकते, तो आपको अगर अभी जाना है हमसे दूर तो जा सकते हैं, क्योंकि आपका बड़ा बरदान है, चार चार पुत्र, उनकी गृहस्थिया ये सब संभालना है, जमींदारी वगैरह। तो कान्हू जी जेदे ने क्या किया, जल मंगवाया और उनके सामने अपने हाथ पर से छोड़ दिया कि ये मेरी जागीरदारी आपको दे दी, अब बताइए क्या करना है, आपको नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की निष्ठा कार्यकर्ताओं में उत्पन्न की, और ये व्यक्ति पूजा नहीं थी क्योंकि उनके बाद भी चलता रहा सत्ता, संभाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद ताराबाई, तीन पीढ़ी लोग लड़े। ये जोश उत्पन्न करना लोगों में, कार्यकर्ताओं में ये साख उत्पन्न करना, अपने उदाहरण को ऐसा रखना और संपूर्ण देश को अपना मानते हुए एक स्वाधिष्ठित
काल सुसंगत तंत्र की सृष्टि करना। ये चारों काम शिवाजी महाराज ने किए, उसके मूल में उनकी ये दृष्टि, उनकी ये प्रामाणिकता, उनकी ये समझदारी और उनका विशुद्ध शील ये बातें थी। आज हम बहुत अधिक अच्छी परिस्थिति में हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे हाथ में है, साधन बहुत बढ़ गए, सुविधाएं भी बहुत हो गई। उस समय के समाज से आज का समाज अधिक विचार करने वाला समाज है, सामान्य आदमी भी विचार करता है। और उस समय तो सत्ता कुछ हाथों में केंद्रित रहती थी, तब की व्यवस्था ऐसी थी, प्रजातंत्र नहीं था, फिर भी शिवाजी महाराज इशारा प्रजा से लेते थे, कैसा चलाना, क्या चलाना, जो मैं चला रहा हूं उसका क्या हो रहा है, इसका फीडबैक लेकर उसके आधार पर सुधार करते, ऐसा था, वास्तविक प्रजातंत्र था। आज कम से कम प्रजातंत्र है। और इतना बड़ा देश, अब एक देश है, अलग अलग राज्य नहीं, वो भी समस्या नहीं, तो क्या पूरे समाज में हम इसको नहीं चला सकते? क्या हम कार्यकर्ताओं में ये साख जगे इसलिए अपने स्वयं के उदाहरण नहीं रखते? क्या हम शिवाजी महाराज की उस प्रामाणिकता को और व्यापक दृष्टि को लेकर अपने सब स्वार्थों को छोड़कर आगे चल नहीं सकते, चला सकते? ऐसी परिस्थिति में से ही ये बातें उत्पन्न होती है और आगे चलती है। आगे चलती है क्योंकि लोगों को पता है कि जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा भी होता है, और तब तब ऐसा भी होता है ये आगामी अनंत वर्षों तक, जब तक ये कथा रही विश्वाजी महाराज की, तब तक समाज में कायम रहे। ये कथा अगर हम चिरंतन चलाएंगे तो हमारा समाज भी चिरंतन है। इस दृष्टि से इस पुस्तक का एक चिरंतन महत्व भी है, जितनी ऐसी पुस्तकें लिखी जाए उन सब पुस्तकों का ही महत्व है, विभिन्न दृष्टिकोणों से शिवाजी महाराज का अध्ययन, और आज के तात्कालिक संदर्भ से के दृष्टि से तो ये बहुत मूल्यवान पुस्तक है, अध्ययनीय पुस्तक है। मुझे बड़ा आनंद हुआ पुस्तक देखी तब, ध्यान में आया कि बहुत अध्ययन करके उन्होंने लिखी। राजनीति में व्यक्ति अध्ययन करते हैं, ये बहुत अच्छी आशादायक बात है, और वो हुआ। लेकिन जैसा शिवाजी महाराज का तंत्र था, उसमें केवल उस समय की बातें नहीं थी, आज जो हमारे सामने समस्या है उसकी कई बातों का उत्तर उसमें मिलता है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज भी हमको आवश्यक लगता है, डॉक्टर एडगेवार को भी आवश्यक लगा, और शिवाजी महाराज के समकालीनों को भी उन्हीं का एक उदाहरण सबके सामने रखने के लिए अच्छा लगा, इसलिए उनको सिंहासनाधिष्ठित पहला स्वकीय राजा उन्होंने बनाया। शिवाजी महाराज के चरित्र की ये महानता होने के कारण, यद्यपि उनका राष्ट्र आज के महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक सीमित था, फिर भी एक राष्ट्रीय पुरुष के नाते उनका अपने राष्ट्रीय जीवन की परंपरा में एक बहुत बड़ा स्थान है, उसको ध्यान में रखकर इस पुस्तक का अध्ययन आप सब लोग करें, इतना एक विनम्र निवेदन आप सबके सामने रखता हुआ।